हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिम में। तो एपिसोड 235 के स्टार्ट में हम देखते हैं अपना हीरो ओल्ड मैन ल्यूजी से फाइट कर रहा होता है। एपिसोड के स्टार्ट में ओल्ड मैन ल्यूजी एक फॉर्मेशन बनाता है। उस फॉर्मेशन को देखकर क्विंचन कहता है, ये तो रून फॉर्मेशन सील की तरह दिख रहा है। ओल्ड मैन ल्यूजी इस फॉर्मेशन से क्विंचन पे अटैक करता है, तो इसके जवाब में क्विंचन भी अपने शॉर्ट टेक्निक से उस पर अटैक करता है। क्विंचन का यह शॉर्ट टेक्निक काफी स्ट्रांग होता है, ल्यूजी के फॉर्मेशन का वो आसानी से तोड़ देता है और बिना देरी किए हुए क्विंचन ओल्ड मैन पे अपने की इंसेक्ट से अटैक करता है। इस की इंसेक्ट को देखकर ओल्ड मैन ल्यूजी कहता है, ये तो ब्लड डीमन इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट इसके पास कहाँ से आया। इन इंसेक्ट को देखकर ओल्ड मैन ल्यूजी घबरा जाता है और वो क्विंचन से पूछता है, तुम कौन हो। तो इस पर क्विंचन कहता है, मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने का कोई जरूरत नहीं है। और फिर क्विंचन ओल्ड मैन पे अपने शॉर्ट से अटैक करता है। इस अटैक में ओल्ड मैन काफी जख्मी हो जाता है और फिर की इंसेक्ट भी ओल्ड मैन पे अटैक करते हैं और वो की इंसेक्ट ओल्ड मैन को मार देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ओल्ड मैन का सिर्फ एक सॉर्ड और उसका स्टोरेज रिंग ही बचता है। जब ब्लैक स्लेव ये देखता है क्विंचन ने ओल्ड मैन को मार दिया है, फिर ब्लैक स्लेव भी चौंक जाता है, आखिर उसका मास्टर कितना पावरफुल है। फिर क्विंचन उससे उसके हालात के बारे में पूछता है, तो ब्लैक स्लेव कहता है, मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सुनने के बाद क्विंचन कहता है, अच्छा है तो मेरे साथ आओ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं काफी सारे ब्लड बीस्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इन सभी ब्लड बीस्ट को इंपीरियल बीस्ट माउंटेन के बंदे कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक बंदा मो सिंचेंग से कहता है, अब हम फाइनली फिफ्थ लेवल के ब्लड बीस्ट को कंट्रोल कर चुके हैं और बाकी सभी मारे गए हैं या मरने के कगार पे हैं। अगर ये ब्लड बीस्ट भाग जाता है तो फिर हमारा सारा मेहनत बेकार जाएगा। तो इस पर मो सिंचेंग कहता है, चिंता मत करो, स्टार कंट्रोलिंग फॉर्मेशन के मदद से मैं इन सभी बीस्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ और वैसे भी इन बीस्ट का फाइट अब बस खत्म ही होने वाला है। अगर मैं सिर्फ इस बीस्ट को ही अपने कंट्रोल में कर पाऊँ तो फिर बाकी फिर मरे या जिंदा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चाहे वो फिफ्थ ही लेवल के ब्लड बीस्ट क्यों ना हो। फिर इस सीन के बाद हम क्विंचन और ब्लैक स्लेव को देखते हैं। क्विंचन ब्लैक स्लेव को एक सुनसान जगह पे ले जाता है और उसे कहता है, इससे पहले कि हम बाहर जाए हम यहीं पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, तुम अपना लेवल अप कर लो फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो ये सुनने के बाद ब्लैक स्लेव कहता है, मास्टर कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, आपको तो पता ही है मेरे क्षमता के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मैं लेवल अप भी कर सकूंगा। तो इस पर क्विंचन उसे कुछ पिल देता है और उसे कहता है, ये पिल्स तुम्हारे बॉडी को पीक लेवल पे ले जाएगा और फिर तुम लेवल अप कर सकोगे। उसे ये पिल देने के बाद क्विंचन एक फॉर्मेशन बनाता है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। फिर क्विंचन ओल्ड मैन ल्यूजी के स्टोरेज रिंग को चेक करता है। उस स्टोरेज रिंग में काफी मटेरियल और मेडिसिनल हर्ब भी होते हैं और ये देखकर क्विंचन काफी खुश भी होता है। उस स्टोरेज रिंग में वो सिक्स्थ ग्रेड का मिरर भी था। तो जब क्विंचन इस मिरर को देखता है तो वो कहता है, इस आर्टिफैक्ट को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये सिक्स ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। तो क्विंचन इस मिरर के पावर को समझने लगता है और साथ ही इस मिरर के लेवल को भी चेक करता है। तो क्विंचन जब अपने स्पिरिचुअल पावर से इस मिरर से जुड़ता है, फिर उसे पता चलता है कि इस मिरर को लिकेन मिरर कहते हैं। इसका ऑरा काफी पावरफुल और साथ ही काफी डरावना भी है। ये मिरर डीमन पावर को आसानी से रोक सकता है और इसका ग्रेड 7th लेवल किंग क्लास से भी ऊपर है। मगर दुख की बात यह है कि मैं इसका पावर को अभी फुल्ली एक्सेस नहीं कर सकता, मेरा कल्टीवेशन अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं अभी सिर्फ इसके 10% पावर को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर इस सीन के बाद हम देखते हैं मो सिंचेंग ब्लड बीस्ट से कह रहा होता है, सिर्फ तुम ही बचे हो, अगर तुम हार मानते हो और मेरा गुलाम बनोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। मगर वो बीस्ट इस बात से राजी नहीं होता। तो फिर मो सिंचेंग एक तालिस्मान निकालता और जबरदस्ती उस बीस्ट को अपना गुलाम बना लेता है और बाकी सभी बीस्ट को मार देता है। तो इस सीन को देखकर वहाँ पे दो बंदे उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। फिर वो बंदा उसे कहता है, चीफ आपका ये टेक्निक काफी पावरफुल है, ऐसा पावरफुल टेक्निक और इस ब्लड बीस्ट के साथ, अगर आप अपने इंपीरियल बीस्ट माउंटेन और मैं अपने ब्लैक डेथ स्वैम्प को यूनाइट कर दे तो कैसा रहेगा। तो इस पर मो सिंचेंग कहता है, यूनिटी अच्छा है मगर हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, मेरे वेई डायनेस्टी को छोड़कर सिया डायनेस्टी और जू डायनेस्टी में काफी स्ट्रांग पीपल हैं और वो भी इस ब्लैक डेथ स्वैम्प में आते जाते हैं और वो सभी इस डेथ स्वैम्प में ऐसे जगहों को ढूंढना और ट्रेजर को ढूंढने के लिए ही आते हैं और साथ ही लेवल अप करने के लिए भी आते हैं, आज नहीं तो कल ऐसे पावरफुल लोग जरूर आएंगे यहाँ पे। फिर उसे कुछ याद आता है और वो पूछता है, उस लड़के का क्या हुआ जिसने सियांग को चोट पहुँचाया था, वो भी तो आया है ना यहाँ पे। तो फिर उसका बेटा कहता है, फादर आप चिंता मत करो, जब मैं उस लड़के से मिलूंगा तो फिर मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। फिर हम इस सीन के बाद देखते हैं एक बंदा आ रहा होता है सिटी में, वो आते हुए कहता है, जिस लड़के ने एल्डर ज़ुविंग को मारा था वो इसी शहर में है, ये शहर लेवल अप करने के लिए अच्छा प्लेस दिख रहा है, मगर इससे पहले कि वो लेवल अप करे मुझे उसे ढूंढना होगा। इस सीन के बाद हम देखते हैं इधर ब्लैक स्लेव लेवल अप कर लेता है। जब वो लेवल अप कर लेता है वो काफी खुश दिख रहा होता है। वो क्विंचन से पूछता है, मास्टर मैं कैसे लेवल अप कर सकता हूँ, मैंने तो काफी पहले ही उम्मीद खो दिया था। तो इस पर क्विंचन कहता है,
ये सब उस ट्रेजर का कमाल है। मैंने उसी का यूज करके एलेक्सर बनाया था और उसमें से कुछ पिल मैंने तुम्हें दिया। तुम बस मुझे फॉलो करो और फिर देखो तुम फ्यूचर में कहाँ तक जाते हो। तो ब्लैक स्लेव इस पे कहता है, मास्टर मैं हमेशा आपको फॉलो करूंगा। और फिर वो ऊपर देखकर अपने फादर और मदर से कहता है, फादर और मदर आप चिंता मत करो, एनिमी भले ही स्ट्रांग है मगर मैं आपका बदला अब ले सकता हूँ। मैं आपके कातिल के सामने अब खड़े होने लायक बन सकता हूँ। फिर क्विंचन उसे एक स्नो लैंसर भी देता है जो कि ओल्ड मैन ल्यूजी का था और उसे कहता है, ये लो तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं था ना, ले लो और कोई नाम मैं नहीं सुनूंगा, आओ चले यहाँ से। और फिर उसे वो वहाँ से चलने को कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ बंदे दो लोगों को घेर कर खड़े होते हैं। उन सबको देखकर ब्लैक स्लेव क्विंचन से कहता है, ये क्या, ये तो चेन साहो है और उसके सिस्टर भी है, ये यान फैमिली से है। तो फिर क्विंचन उन्हें देखकर कहता है, तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उनकी ओर जाने लगता है और वहाँ पे जाकर वो उन्हें दो पिल भी देता है और पूछता है, तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इस पर वो सेन साहो कहता है, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो उस वक्त मैं एंटी चैम्बर ऑफ कमर्स से बचने के लिए छुप रहा था और फिर मैं यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे इस जगह पे गलती से आया हूँ, मगर जब हम यहाँ पे इस जगह पे आए तो फिर ये ब्लैक ऑर्डर के लोग हमें रोकने लगे और वो कहने लगे कि ये जगह उनकी है और साथ ही हमसे हमारा आधा लूट भी मांगने लगे और वो हमारा स्टोरेज रिंग भी चेक कर रहे हैं। जिस किसी ने भी इनकी बात नहीं मानी उन सभी को इन सभी ने मार डाला है। मुझे लगता है कि इस बार मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया है। तो क्विंचन कहता है, तुम कह रहे हो कि ये ब्लैक ऑर्डर के लोग हैं। तो फिर चेन साओ कहता है, हाँ सही, किसी ने ही सेन हुई को मार डाला है और उसके चक्कर में हम सबको ये रोक कर रखे हुए हैं और हम सबके स्टोरेज रिंग को वो चेक कर रहे हैं, नहीं तो अब तक सभी यहाँ से चले गए होते। तुमने जो मुझे पोर्शन दिया था वो मेरे स्टोरेज रिंग में है और साथ ही मोनो हाइपोटेनस और गोल्डन ऑर्चिड भी है। तो ये सुनकर क्विंचन कहता है, क्या तुम्हारे स्टोरेज रिंग में ये सब है? फिर तभी एक बंदा पीछे से कहता है, ओए क्या कर रहे हो तुम, चलो तुम भी अपना स्टोरेज रिंग हमें दे दो। तो इस पर क्विंचन कहता है, तुम सब मेरा रिंग क्यों चेक करना चाहते हो? तो ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम अपना स्टोरेज रिंग हमें दे दो। तो फिर ब्लैक स्लेव उन सभी को कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम इनसे ऐसे बात करो? और फिर उनका लीडर आता और कहता है, ओ जरा देखो तो यहाँ पे एक यंग मास्टर भी है, खैर जो भी है, अगर तुम अपना स्टोरेज रिंग देते हो तो फिर हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। तो इस पर क्विंचन ब्लैक स्लेव से कहता है, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो ब्लैक स्लेव उन सभी पे अटैक करता है और उन सभी में और ब्लैक स्लेव में फाइट शुरू हो जाता है। ब्लैक स्लेव उन सभी पे भारी पड़ने लगता है। तो ये देखकर उनका लीडर एक तलिस्मान निकालता है। उस तलिस्मान से एक तरह का रेड लाइट निकलने लगता है जो कि काफी पावरफुल भी होता है। तो उसके पावर को कम करने और उस तलिस्मान को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्लैक स्लेव अपने न्यू पावर का यूज करता है और एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बनाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक स्लेव उस तलिस्मान को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहा होता है। तो ये देखकर एनिमी उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी एनिमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।